हेलो फ्रेंड्स, हम सब विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में, कारक व सर्वनाम के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग विशेषण की परिभाषा, विशेषण के कार्य, विशेषण के भेद, इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण को हम लोग अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण से संज्ञा का गुण या विशेषता प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी संज्ञा में हम किसी भी विशेषण का प्रयोग करते हैं, उससे हमें किसी संज्ञा का गुण यानी वह संज्ञा की क्या विशेषता है, वह संज्ञा किस वजह से जाना जा रहा है और उसकी व्यापकता का अर्थ होता है कि संज्ञा का लिमिट, उसका दायरा कहाँ तक सीमित होता है, उसकी सीमितता के बारे में हमको विशेषण से ही पता चलता है। अब एग्जांपल यानी कि जैसे लाल घोड़ा, यहाँ पे लाल घोड़ा कहने से क्या तात्पर्य निकलता है कि जो घोड़ा है, घोड़े तो कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कई रंग के होते हैं, लाल, हरा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लाल घोड़ा के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे वो ये सभी घोड़े आएंगे जो लाल रंग के हों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं जिनमें से लाल रंग को चुन करके घोड़े को सीमित किया गया है कि यहाँ पे जो भी घोड़ा है वह लाल रंग का है। तो अब आगे देखते हैं कि संज्ञा के साथ अगर हम सा, नामक, संबंधी यह रूपी जैसे शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमको उससे विशेषण प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम संज्ञा के साथ इन शब्दों को जोड़ते हैं तब हमको विशेषण मिलता है, जैसे फूल सा शरीर या अर्जुन नामक पुत्र, गृह संबंधी, मोह रूपी अंधकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या अव्यय हो, इन सभी से हम विशेषण बना सकते हैं अगर उसमें हम सा जोड़ दें, नामक जोड़ दें, संबंधी या रूपी जोड़ दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल सा शरीर, यहाँ पे फूल सा शरीर, यहाँ पे सा जोड़ करके हम किस एक शरीर को फूल का हम एक गुण प्रदान करते हैं। गुण से हम लोग जानते ही हैं कि यह एक विशेषण है, यानी कि हम शरीर की विशेषता क्या बताते हैं कि शरीर जो है वो फूल सा है। अब अर्जुन नामक पुत्र, यानी जो पुत्र है उसका नाम क्या है, अर्जुन, यानी कि उस पुत्र का तात्पर्य किससे लगाया जाता है, अर्जुन से। इसी प्रकार से गृह संबंधी यानी कि ऐसे सभी चीज़ों का यहाँ पर तात्पर्य बताया जा रहा है जो गृह यानी घर से संबंधित हो। इसी तरीके से मोह रूपी अंधकार का तात्पर्य क्या निकलता है, इस प्रकार का अंधकार जिसमें हम मोहित रहें। कहने का मतलब ये है कि हम एक तरीके के मोह जाल में फंसे हों। तो इस प्रकार से हमको विशेषण के बारे में पता चलता है। तो आइए हम विशेषण की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, यानी वे सभी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, जिससे कि संज्ञा या सर्वनाम को कोई गुण प्राप्त होता है, उसी को हम विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो कहने का मतलब एकदम साफ है कि हम विशेषण की तात्पर्य उसी से लगाते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या उसके गुण को बतलाए। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं संज्ञा से, तो पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये सभी शब्द जो हैं ये किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाने के लिए काफ़ी हैं। इसी प्रकार से अगर हम सर्वनाम से देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द जो सर्वनाम की परिभाषा को मतलब उसके गुण को दिखा सकते हैं, तो उसमें आएगा इतना, कितना, आप वाली जैसे शब्द। इसी प्रकार से अगर हम क्रिया से, क्रिया यानी क्या, जो कर्म हो रहा हो, जो क्रियाशील हो, जो चल रहा हो या कोई क्रिया लगातार क्रियान्वित हो रही हो, तो उसको हम
क्रिया बोलते हैं। जैसे चलती गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी क्या है, चल रही है, यानी वो एक क्रिया में लगी हुई है। खाया मुँह, यानी खाया जा रहा है, लगातार मुँह चला के उसको खाया जा रहा है। नृत्य करने वाली तरुणी, यानी कि जो नृत्य है एक क्रिया है जिसको लगातार किया जा रहा है। इसी प्रकार से पढ़ता सुग्गा, पढ़ता सुग्गे का मतलब हुआ कि जो किसी काम यानी पढ़ाई के काम में लगा हुआ है, यहाँ पर किसी न किसी काम में लगा रहे उसी से यहाँ पे विशेषण को समझाया जाता है। अब यदि अव्यय से हम विशेषण बनाना चाहें तो बाहरी व्यक्ति या भीतरी बातें जैसे शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। तो सर्वनाम की तरह विशेषण का भी हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यहाँ तो एक आता है एक जाता है, ये सभी उदाहरण जो हैं विशेषण के ही हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि विशेषण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाना, उसकी हीनता बतलाना, उसका अर्थ सीमित करना और उसकी संख्या का बोध करना, ये सभी किसी विशेषण के कार्य होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं विशेषता बतलाना। जैसे राम स्वस्थ है, तो यहाँ पे जो विशेषण है वह स्वस्थ राम की विशेषता है, यानी जो राम है वह उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वह स्वास्थ्य रूप से एकदम ठीक है। तो स्वस्थ क्या है, राम के स्वास्थ्य की एक विशेषता है कि राम एक स्वस्थ मनुष्य है। इसी प्रकार काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे काला क्या होगा, विशेषण होगा, किसका होगा, घोड़े का होगा। अर्थात यहाँ पे जो काला शब्द है ये घोड़े की विशेषता को बतलाता है। तो यानी विशेषण का पहला कार्य क्या है, विशेषता बतलाना। इसी प्रकार से चांदी चमकदार है, तो चांदी क्या है, एक तरीके से का वस्तु है जिसकी विशेषता क्या है, चमक। तो चमक क्या है, यहाँ पे चांदी का विशेषण है। तो पहला कार्य हो गया कि ये विशेषता बतलाता है। अब दूसरे कार्य पे आते हैं कि हीनता बतलाना। हीनता बतलाना यानी किसी की बुराई बतलाना। अभी तक जो हम लोग देखे हैं विशेषता बतलाना वह एक तरीके का सकारात्मक गुण होता है, लेकिन हीनता उसका नकारात्मकता दिखलाता है। यह किसी प्रकार का गुण नहीं है, यह उसकी एक कमी के तौर पर हम कह सकते हैं। जैसे खूनी आदमी, खूनी आदमी यहाँ पे जो खूनी है ये एक आदमी की क्या है, हीनता है, उसके अंदर की कमी है, उसकी नकारात्मकता है। तो यह भी एक विशेषण का कार्य होता है, किसी आदमी के अंदर कौन सी ऐसे लक्षण हैं जो उसको भिन्न बनाते हैं। इसी प्रकार से चोर को मत बैठने दो, तो जो चोर है क्या है, हीनता है, किसी भी मनुष्य की एक हीनता है कि वह अगर चोरी करे। तो यहाँ पे यह भी एक विशेषण का कार्य कर रहा है। बीमार वृद्ध, वृद्ध तो सभी होते हैं, परंतु यदि वह बीमार है तो वह उसकी कमी है, उसकी हीनता है कि वह बीमार है। यदि यह स्वस्थ होता तो यह हीनता की जगह पर विशेषता में आ जाता, इसी वजह से हीनता की श्रेणी में बीमार शब्द आता है। अब तीसरे पे आते हैं कि विशेषण का तीसरा कार्य है अर्थ सीमित करना। जैसे खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र, फसल काटते कृषक। तो खेलते बच्चे जो शब्द है इसमें इन बच्चों का उल्लेख हो रहा है जो खेल रहे हैं, सामान्य रूप से जो बच्चे खेलने में लगे हैं यहाँ पर उनका उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को एक तरीके से उनके एक अर्थ को सीमित किया जा रहा है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चों को नहीं सम्मिलित किया जाता है, केवल जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जा रहा है। इसी प्रकार पढ़ते छात्र, पढ़ते छात्र में केवल उन छात्रों को लिया जा रहा है जो मुख्य रूप से पढ़ाई में, पढ़ाई की क्रिया में लगे हुए हैं। कुछ छात्र हो सकता है खेल रहे हों, कुछ कार्य कर रहे हों, तो यहाँ पे केवल पढ़ते, पढ़ते शब्द से छात्रों की एक श्रेणी को अलग किया गया, यानी इन छात्रों के अर्थ को सीमित कर दिया गया है, यानी यहाँ पे छात्रों के केवल पढ़ाई से ही जिक्र होता है। अब निचला है, नीचे दिया हुआ है कि फसल काटते कृषक, तो जो निचला शब्द है कि फसल काटते, तो यहाँ पे उन कृषकों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जो फसल काटने में लगे हैं। हो सकता है कुछ कृषक इसके अलावा भी कार्य कर रहे हों, लेकिन ऐसे कृषक जो केवल फसल काट रहे हों उनका उल्लेख करके उसके अर्थ को सीमित किया गया है। अब चौथा कार्य क्या होता है विशेषण का, वो है उसका संख्या का बोध कराना। जैसे 11 खिलाड़ी, तो यहाँ पे जो 11 है, 10 मजदूर में 10 और
छठा बालक में छठा, ये सभी संख्या हैं जो कि किसी भी शब्द की संख्या को बतला रहा है, उनकी गिनती को बतलाता है, तो ये संख्या बोधक विशेषण है। इसी प्रकार से मात्रा बतलाना, मात्रा यानी कि किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, उसका कितना भार है, जैसे 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल और 3 मीटर कपड़ा, यहाँ पर किसी भी तथ्य की या चीज़ की मात्रा बतलाई गई है, तो ये भी विशेषण का कार्य होता है कि किसी भी चीज़ का कितना माप है उसको बतलाना। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो अगर हम देखते हैं विशेषण के कैसे कितने भेद होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिसमें आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक कहते हैं। अगर हम गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर इसको वर्गीकृत करते हैं, तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटेंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। इसके अलावा सर्वनामिक के 2 भेद होते हैं, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक, जिसमें मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक के बाद भी उसके भेद किए जाते हैं, जिसमें यौगिक सर्वनामिक को भी वर्गीकृत किया गया है निश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। अब निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, जिसमें गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अब गणनावाचक के भी भेद हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर भेद का एक उपभेद हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो गणनावाचक विशेषण के भेद क्या हैं, पूर्णांक बोधक व अपूर्णांक बोधक। चलिए इन सभी भेद और उपभेद के भी बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गुणवाचक विशेषण, अगर हम गुणवाचक विशेषण को देखें, तो ऐसे विशेषण जिससे पदार्थ के गुण, रंग, उसके आकार, दशा, अवस्था और रूप का बोध होता है, हम उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, यहाँ पे क्या है, हमें किसी के गुण का पता चल रहा है कि वह किस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया है, वह भला है कि बुरा है, या पापी है, या काफ़ी सरल है, या उसके अंदर दुष्टता का गुण है, तो इस प्रकार से भी हमें उसके गुण का पता चलता है। रंग, रंग में जैसे आसमानी, लाल, पीला या काला, ये सभी अलग अलग रंग हैं, तो हमारा जो विशेषण का पहला वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत गुणवाचक विशेषण है, उसके अंतर्गत हम किसी भी तथ्य के गुणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, बाहरी, ऊपरी या अंदरूनी, इन चीज़ों को भी रखा जाता है। इसी प्रकार लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा व ताज़ा, तरह तरह के कई प्रकार के शब्द जो किसी भी वस्तु की विशेषता को दर्शाते हों, उसके गुण को दर्शाते हों, हम उनको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रखते हैं। अब हम दूसरे वर्गीकरण के तौर पे जाते हैं, जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो जिससे वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चले कि किसी भी वस्तु की कितनी संख्या है, हम उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हमें सीधे सीधे पढ़ने से भी पता चल जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने लोग, तो संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, जैसे गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। तो ये 5 प्रकार जो हैं, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो गणना बोधक में हम वस्तुओं की गणना बताते हैं, जैसे 7 अमरूद। ठीक, क्रम बोधक में हम क्रम के अनुसार गणना करते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, किसी का भी क्या क्रम बनता है, यहाँ पर हम उसके बारे में, अब किसी भी व्यक्ति के बारे में कि पहले स्थान पे है या वह चौथे स्थान पे है या यह तीसरी या चौथी श्रेणी में आती है, इसके द्वारा हम किसी का भी क्रम बताते हैं, तो यह दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे में आवृत्ति, आवृत्ति का तात्पर्य होता है कि किसी का भी रिपीटेशन यानी उसका दोहरावपन कितनी बार हुआ है, इससे हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से कम है कि अधिक है, जैसे 4 गुना धन, 100 गुना दिमाग
और दूध से दुगना पानी, यानी कि दूध जो है उसकी मात्रा का दो गुना, पानी की आवृत्ति दो बार है कि वह दूध की मात्रा से दो गुना ज़्यादा है। चौथा वर्गीकरण देखें तो वह हमारा समुदाय बोधक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम संज्ञा के समुदाय का बोध करते हैं, जैसे तीन लड़के सात घर, दोनों भाई पांच बहन। तो तीन लड़के, यहाँ पर तीन लड़के से हम एक समुदाय के बारे में बता रहे हैं जो लड़कों का है, जो कि तीन लोगों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से सात घर, सात घर में हम ऐसे घरों को देखते हैं, इसमें हम केवल घरों का ही चुनाव किए हैं, तो यह घरों के समुदाय को बता रहा है। इसी प्रकार पांच बहन से हम बहनों के समुदाय से को हम संख्या के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समुदाय बोधक जो विशेषण है ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब जो अंतिम है वह है प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक के अंतर्गत अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। यहाँ पे हम सभी को ही सम्मिलित कर लेते हैं, यहाँ पर हम किसी को भी कहीं भी छोड़ते नहीं हैं और सबको हम विशेषण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो प्रत्येक बोधक के अंतर्गत हम यही कार्य करते हैं कि हर किसी को सम्मिलित करते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है विद्वान, इसे विभाग बोधक के नाम से भी जो संख्यावाचक विशेषण है उसका तीसरा भेद मानते हैं, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं प्रत्येक बोधक। इसके बाद अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, माप, तौल का बोध कराए उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी वस्तु की मात्रा के बारे में जानते हैं, जैसे थोड़ा दूध सारा देश, कम जल। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि दूध एक लीटर है कि दो लीटर है, या कितने देश हैं, या जल की मात्रा कितने लीटर में है। इससे बस हम ये समझ लेते हैं कि दूध की मात्रा कम है, या सभी देशों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, या जल की मात्रा कम है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम केवल उनका एक अनुमान लगाते हैं कि उसकी मात्रा कितनी हो सकती है। इसके अलावा परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, जिसमें हमारा निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो निश्चित के अंतर्गत हम वस्तुओं का ठीक परिमाण बताते हैं, जैसे चार सेब, दो डलिया भर आम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से नहीं लेकिन अपूर्ण रूप से एक निश्चितता के तौर पे पहुँच जाते हैं कि एक डलिया के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से शेर भी प्राचीन समय में एक प्रकार से परिमाण नापने का एक जरिया था। तो चार सेर दूध से हम दूध की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। जो अनिश्चित परिमाणवाचक है उसमें हमको ठीक परिमाण का बोध नहीं होता, यानी हम उसकी सही मात्रा के बारे में जान नहीं सकते हैं, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी या अधिक चीनी। इन सभी हम उदाहरण में देख सकते हैं कि हमें दूध, पानी और चीनी की सही मात्रा के बारे में अनुमानतः भी पता नहीं चलता है। अब हम अंतिम, जो कि हमारा सर्वनामिक विशेषण है, जिसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं, हम अब उसके बारे में जानेंगे कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम विशेषण के जैसे करते हैं उन्हीं को हम सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, वह आदमी हमारा शत्रु है। इन दोनों उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यह और वह जो है हमारा विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है, जो कि लड़का और आदमी जो यह है वह लड़के की विशेषता को बतलाता है और वह जो है वह आदमी की विशेषता को बतला रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर हम बताते हैं कि यह हमारा शत्रु है। तो यह एक सर्वनामिक विशेषण हुआ। अब प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिनको हम प्रविशेषण कहते हैं, जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ पर तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है। प्रविशेषण का सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि जो विशेषण की
मात्रा को बतलाए कि वह कितनी अधिकता या कितनी कमी में है, यानी विशेषण के किसी भी उसकी तीव्रता को एक तरीके से दिखाने का प्रयास जो है वही प्रविशेषण है। तो दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ पे हम दुर्गेश तेज छात्र है भी बोल सकते थे, लेकिन अत्यधिक के प्रयोग से हम दुर्गेश के तेज होने की मात्रा को दर्शाते हैं। तो गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो गरिमा सुंदर लड़की है, लेकिन अति के द्वारा हम बताते हैं कि वह कितनी ज़्यादा सुंदर है। इसी प्रकार से कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो हम सभी जानते थे कि सेब तो लाल होते हैं, लेकिन जो कश्मीरी सेब है उनकी क्या विशेषता है कि वे सिंदूरी लाल होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंदूरी है ये हमारा प्रविशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने विशेषण और विशेषण की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जाने हैं। अगली बार हम लोग विशेषण और विशेषक के बारे में जानेंगे। थैंक यू, बाय।